দুর্গা আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ ঠাকের পিঠে পড়লো কাঠি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ সাজালো বরণডালা আকাশে মেঘের ভেলা চলছে ধুনু জিনার আসরের ঘন্টা বাজে এলো মানুষ সাজে আকাশে পূজোর বন্ধুরা सबसे बचपन वाला फीलिंग आ रहा है। बस एक ही बुरा है, बुरा साइड है, और वो ये है कि क्योंकि रात है तो मोस्ट ऑफ द जगह पे लाइट्स नहीं रहते, और मैंने अभी उतना अपग्रेडेड डिवाइस नहीं लिया है कि मेरी शक्ल पूरी अच्छी तरीके से दिखे। हम लोग अभी घर से निकले हैं दशहरा घूमने के लिए। नव्या नव्या यस, हम लोग दशहरा घूमने जा रहे हैं, बल्ले बल्ले। एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है, और कोई बात नहीं है। करके छोड़ दो, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ऊपर करो। इतना बड़ा काम कर दी। सही टाइम पे निकले बहन, ज्यादा भीड़ भी नहीं है। अब हम रियल में प्रे कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ का मूर्ति भाई, देखो म्यूजिक बंद हो गया मेरे ब्लॉग के लिए। यहाँ का मूर्ति मेरे को सबसे बेस्ट वाला लगा। इस एरिया में हम बचपन से आ रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। मतलब मम्मी ये खिला दो, वो दिला दो, ये करवा दो, बहुत एक्साइटमेंट होता था। पता नहीं बड़े हो गए तो सारा डिमांड खुश हो गया है। हाँ, एक आइसक्रीम खाने का मन था, वो खा रहे हैं। मेला का बहन, मेला का सबसे इरिटेटिंग चीज है ये जो बजा रहा है मुंह से, दिमाग खराब हो रहा है। चलो चलो यहाँ से चलो, दिमाग खराब हो गया। वो जो डॉग्स है ना, जितने भी एनिमल्स हैं जो नॉर्मली रोड पे घूमते रहते हैं, वो लोग जब इतने सारे इंसानों को एक साथ देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे भाई ये लोग कहाँ से आ गए। पापा जो थे वो मेरी बहन का हाथ पकड़ते थे, मेरी बहन मेरा हाथ पकड़ती थी, और पापा मुझे नहीं देखते थे, पापा दीदी को देखते थे, और दीदी मुझे देखती थी, और वो चेन बना रहता था। शहरा के ब्लॉग में ये होता है कि हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, हम घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, आधे टाइम पे पीछे से आवाज़ आ रहा होता है, आधे टाइम पे इतनी भीड़ हो रही होती है कि हम अपने फ़ोन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इतनी आवाज़ आ रही है ना, आई जस्ट होप कि मेरी भी आवाज़ आ रही होगी। मेरी फ्रेंड ने टेस्ट किया बट दिस वॉजन द गुड, पता नहीं।
मेला का जो गाना खाना होता है ना, वो या तो बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत बेकार होता है। टेस्टी नहीं है, बिल्कुल टेस्टी नहीं है। When we were entering our colony, वहाँ पे जो लोग हैं जो पूजा किए वो हम उन्होंने हमें रोका, हमें प्रसाद दिया, वो सभी को दे रहे थे, तो बेसिकली टेस्टी लगता है। कभी कभी मेरा फेस अच्छे से विजिबल नहीं आ रहा होगा, कभी कभी आ रहा है। ओके, तो मैंने उसे बोला था कि भाई तो यहाँ पे वेट करियो, वो तो आगे चली गई। हम इतना गंदा वाला फंसे थे ना, सब धक्का वक्का दे दिया, फिर हम अपना माइक अंदर रखे, मेरा माइक अभी भी अंदर गया, पर अभी माइक की ज़रूरत नहीं है। आई होप आई मॉडिबल, मैं थक गई हूँ एकदम, बहुत परेशान हो गई थी अकेले भीड़ में, मेरे को इतना रुको यार, यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा कोई नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइट नहीं रहता है ना तो मतलब सॉरी, बहुत भीड़ रहती ना, आई फील सो सफोकेटेड, आई फील आई एम डाइंग। आई फेस्ड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रिकॉर्डिंग, यू नो, बार बार माइक लगाना, बार बार माइक निकालना, वो एक कन्फ्यूजन था। कुछ हमने खरीदा, कुछ हमने पैक कराया घर के लिए, एंड जस्ट वे टू होम। ऑल ओवर दशहरा का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा। हाँ, बचपन वाली वाइब तो नहीं आई जब मम्मी का हाथ पकड़ के चलते थे, बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रही ना, बचपन वाली वाइब तो नहीं आई। बट रात के 9 बजे राजू अपने फ्रेंड के साथ दशहरा घूम रही है, दैट्स अ बिग डील फॉर मी। आई थिंक वी शुड गो नाउ। मम्मी चल बाहर, राजू दशहरा घूमी एंड शी रियली एंजॉयड अ लॉट। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके? एंड ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस दैट आर कमिंग ऑलरेडी ऑन द वे, एंड आई सीरियसली एंजॉयड, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग माय कंपनी आल्सो। स्टे सेफ, अच्छे से रहिए आप लोग। आई एम जस्ट गोना चेंज एंड आई विल जस्ट एडिट द व्लॉग एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट कल दशमी है तो दशमी को ही नवरात्रि का एक व्लॉग आ जाए, क्योंकि नवरात्रि खत्म हो जाएगा फिर नवरात्रि का व्लॉग डालने का कोई मतलब नहीं है। सो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट एज सून एज पॉसिबल, ओके, बिकॉज आई एम गोना फॉलो द ट्रेंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय पीपल।